हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निधिज किचन। आप सबको परफेक्ट खाना सिखाना मेरा मिशन है। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले कस्टर्ड आइसक्रीम। तो कस्टर्ड आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक पैन। तो आप भारी तले वाली एक कढ़ाई लें, उसमें आपको डालना है इस तरीके से दूध। तो दूध मैंने लिया है बिल्कुल फुल फैट क्रीम, मैंने यहाँ पर मिल्क का यूज किया है। तो दूध को हम अच्छे से बॉईल होने देंगे, उसके बाद हम हाफ बाउल दूध हमने यहाँ बचा लिया था, तो हाफ बाउल दूध को मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो मैंने टोटल यहाँ पर हाफ लीटर दूध का यूज किया है, आधा लीटर दूध मैंने यूज किया है। इसमें बाउल में हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर। तो आप यहाँ पर कोई भी फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर यूज ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर यूज लिया है। अब जो हमने कस्टर्ड पाउडर डाला है वो आपको बिल्कुल रूम टेम्परेचर वाले ठंडे दूध में आपको डालना है, और इस तरीके से आपको अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी लम्स या एयर बबल्स ना रहें। तो ये देखिए, इस तरीके से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, नीचे से भी आपको अच्छे से इसको मिक्स करना है। अगर आप इसको अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे तो आपकी पूरी आइसक्रीम का मज़ा बिगड़ सकता है। अब ये देखिए, इधर हमारा दूध में भी अच्छे से उबाल आना शुरू हो गया है। इस स्टेज पर हम यहाँ डाल देंगे 90 ग्राम के करीबन चीनी। चीनी आप इसमें कम ही डालिए, ज़्यादा चीनी आप डालेंगे तो आगे मैं आपको जो प्रोसेस बताऊंगी उसमें भी चीनी की मात्रा हो, तो चीनी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि ठंडी चीज़ों में चीनी की मात्रा ज़्यादा ही होती है। चीनी भी अच्छे से घुल गई है, चीनी का पानी आपको अच्छे से, जब तक चीनी का पानी निकल जाए तब तक आपको उबालना है। उसके बाद हम यहाँ कस्टर्ड पाउडर डाल देंगे। कस्टर्ड पाउडर वाला घोल इस तरीके से थोड़ा थोड़ा घोल डालेंगे और इसको हम मिक्स करते जाएंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से धीरे धीरे हम इसको मिक्स करते जाएंगे और चलाते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा सर कर थोड़ा थोड़ा करके आपको कस्टर्ड पाउडर वाला घोल डालना है और लगातार चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे तले में चिपक जाएगा और आपकी पूरी आइसक्रीम का मज़ा बिगड़ सकता है। तो एक एक टिप्स एंड ट्रिक्स को आप ध्यान में रखते हुए अगर रेसिपी को बनाएंगे तो आपकी रेसिपी हमेशा बहुत ही परफेक्ट बनकर रेडी होगी। तो ये देखिए, अच्छे से इसमें कस्टर्ड पाउडर में उबाल आना शुरू हो गया है और इसकी कंसिस्टेंसी पहले से काफ़ी थिक हो गई, काफ़ी गाढ़ी हो गई है, बिल्कुल ये लम्स फ्री हमारा बैटर बनकर रेडी हुआ है। तो ये देखिए, चम्मच के ऊपर हम पीछे से देखेंगे तो ये देखिए इसके ऊपर कोटिंग होना स्टार्ट हो गई है। इस तरीके से हम चेक करेंगे तो हमारा परफेक्ट बैटर बनकर इसका रेडी हो गया है आइसक्रीम का। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे नीचे उतार लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसको नीचे उतार कर इसको हम ठंडा होने देंगे, रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। इसके बाद 1 घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में रख देंगे। अब हम यहाँ लेंगे 1 कप व्हिपिंग क्रीम। हाँ फ्रेंड्स, जिसे हम केक वगैरह बनाते हैं वो व्हिप्ड क्रीम आपको लेनी है। आपके पास व्हिप्ड क्रीम नहीं है तो आप अमूल फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। उसके बाद आपके पास हैंड विस्कर है तो उससे भी आप इसको बीट कर सकते हैं। अगर आप हैंड विस्कर से करेंगे तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, उसमें बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ उस तरीके से आप ब्लेंडर लीजिए और ब्लेंडर की हेल्प से आप इसको बीट कर लीजिए। अगर आपके पास ब्लेंडर या विस्कर नहीं है तो आपको एक और ट्रिक बताती हूँ, आप मिक्सर जार लीजिए। मिक्सर जार का जो ब्लेंडर होता है उसमें भी आप इसे ब्लेंड कर सकते हैं। तो मैंने आपको 3 स्टेप्स बताइए, किसी से भी आप इसे ब्लेंड कर सकते हैं। तो बातों में देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो व्हिप्ड क्रीम हमने ली थी 1 कप, इस तरीके से हम इसे व्हिप कर रहे हैं तो ये देखिए इसकी क्वांटिटी कितनी ज़्यादा हो गई है। आपको इसे इतना व्हिप करना है, आपको केक की तरह इसे व्हिप नहीं करना है, आपको इसे इतना व्हिप करना है ओनली कि ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से हो जानी चाहिए। अब जो हमने कस्टर्ड वाला घोल बनाकर रखा था वो हमने इसमें डाल दिया है। अब एक बार और हम इसे व्हिप्ड करेंगे। तो ये देखिए, एक बार और हम इसे ब्लेंड कर लेंगे यहाँ पर, ताकि जो हमने कस्टर्ड वाला घोल और व्हिपिंग क्रीम जो डाली है दोनों अच्छे से यहाँ पर मिक्स हो जाएं। कस्टर्ड पाउडर वाला जो घोल हमने दूध वाला बनाया था वो आपको बिल्कुल ठंडा करना है, 1 से 2 घंटे के लिए ठंडा करके ही डालें, क्योंकि गर्म गर्म में अगर आप डाल देंगे तो आपकी पूरी आइसक्रीम बिगड़ जाएगी। और अच्छे से ये देखिए, हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, पूरी आइसक्रीम को अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे। इसे ब्लेंड करने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है और
जितना हम इसमें पैशन्स बनाएंगे, जितना हम इसमें मेहनत करेंगे, उतना ही हमारी रेसिपी का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन निकल कर आएगा। तो देखिए मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, बिल्कुल कितना फ्लफी सा ये हो गया है। अब देखिए मार्केट वाला कलर लाने के लिए हम इसमें डाल देंगे येलो फूड कलर। हाँ फ्रेंड्स, थोड़ा सा येलो फूड कलर डालकर हम इसे एक बार व्हिप कर लेंगे, क्योंकि हमने जो इसमें व्हिपिंग क्रीम डाली है उसका टेक्सचर वाइट है, तो इसलिए इसका कलर वाइट यहाँ पर आ गया है। तो इस तरीके से हम एक बार कलर डालकर मैंने स्वीप कर लिया है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे वनीला एसेंस, क्योंकि हमने यहाँ डाला है वनीला कस्टर्ड पाउडर, तो हम यहाँ वनीला एसेंस का यूज करेंगे। एसेंस डालकर हम इसको इस तरीके से हल्के हाथों से थोड़ा सा चला लेंगे। तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अगर आपके पास एसेंस नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए आइसक्रीम सेट करने के लिए मेरे पास ये कंटेनर मैंने लिया है आइसक्रीम सेट करने के लिए। आपके पास जो भी कंटेनर हो, घर का डिब्बा, कप, कटोरी, ग्लास, किसी में भी आप आइसक्रीम को सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने दो बर्तन में इस आइसक्रीम को सेट किया है। एक मैंने कांच का बाउल लिया और एक मैंने आइसक्रीम कंटेनर लिया है। दोनों में डालकर मैं इस आइसक्रीम को सेट करने के लिए रख दूंगी। तो पूरा आइसक्रीम का बैटर को मैंने इस तरीके से निकाल लिया है। उसके बाद ये देखिए ऊपर से हम इसे डेकोरेट कर देंगे। तो मैंने इसमें ऊपर से डाल दी थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और टूटी फ्रूटी डालकर मैं इसे डेकोरेट कर दूंगी। आप चाहे तो इसे पिस्ता कतरन या फिर चोको चिप्स, बेरीज वगैरह किसी से भी आप इसको यहाँ पर डेकोरेट कर सकते हैं, और बिना डेकोरेट करे भी आप इसे इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट ही इतना अच्छा है कि आपको डेकोरेट की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसे पैक करके कवर करके, या आपके पास प्लास्टिक रैप है तो उससे आप इसे कवर कर सकते हैं। मेरे पास इसका इस तरीके से ढक्कन है, तो मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा दूंगी। ये देखिए दोनों के ढक्कन लगाकर मैं इसे ओवरनाइट के लिए सेट होने के लिए रख दूंगी। ओवरनाइट के बाद मैं आपको बताती हूँ इसका कितना बेस्ट रिजल्ट आया है और कितनी सॉफ्टनेस इसमें है। वाओ, सो क्रीमी और सो यमी हमारी आइसक्रीम बनकर रेडी हुई है। इतनी सॉफ्टनेस इसमें, बिल्कुल आइस क्रिस्टल्स वाली तो बात है ही नहीं। तो आपको मेरी कस्टर्ड आइसक्रीम की रेसिपी कैसी लगी मुझे वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक जो है कि जरूर प्यारे प्यारे कमेंट्स मेरे साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।